अस्सलाम वालेकुम माय ड्यू फैमिली, कैसे हो आप सब लोग? आई होप आप लोग बिल्कुल ठीक होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह आप लोग भी बिल्कुल ठीक है। तो मॉर्निंग हुई है, बस फ्रेश होकर आई हूँ। आज सैलून जाना है शायद, लेकिन अभी नाश्ते की तैयारी है। फिलहाल सब लोग सोकर उठ चुके हैं, तो नाश्ता बना रही हूँ। तो जो सारा दिन की रूटीन होगी शेयर करूँगी। नाश्ता नहीं चल रहा, नाश्ता बना रहे हैं हम लोग। डबल रोटी, चाय। बस आजकल हमारा बहुत सिंपल सा नाश्ता होता है, यही सिंपल सा। कल तो हमने अंडे पराठे और छोले खाए वैसे, और बच्चे अभी तक सोए पड़े हैं। क्या हो गया तुम लोगों को? नींद पूरी नहीं हो रही है? जल्दी उठ जाओ, नाश्ता आ चुका है। आइयो, क्या खा रही हो? चलो आओ नाश्ता करो, जल्दी से आओ। इस बच्ची को तो ना नाश्ता करना है ना कुछ करना है। और आज हमारी सुबह से बहुत ज़्यादा लाइट जा रही है, इतनी लाइट जा रही है कि सब लोग नींद में गर्मी में उठे हैं। पता नहीं क्यों लाइट जा रही है, शायद मुहर्रम स्टार्ट होगा, सारा दिन नहीं जाएगी तो इस वजह से जा रही है। समझ नहीं आ रहा किसी को भी कुछ भी। तो गाइस अभी जा रही हूँ मैं सैलून, वहाँ कुछ काम है तो एक दो जगह जाना है। तो वीडियो तो आज बन ही नहीं सकेगी, सारा दिन मुझे ये लग रहा है। और मौसम बहुत हसीन है और फुहार हो रही है। तो गाइस मैं जा रही हूँ अभी सैलून, वहाँ थोड़े से एक दो काम है मुझे। और आज बाहर का मौसम बहुत प्यारा हो रहा है, इसलिए और भी जल्दी से निकल के जा रही हूँ। वैसे मेरे जाने का इरादा नहीं था, लेकिन इसलिए जा रही हूँ। बारिश का मौसम है पूरा, वाह देखें हसीन मौसम हो रहा है बहुत। तो बस 1 hour later आयु मुझे दिखाओ, आयु ओ क्या लगाया है? मुझे लगाई है हा? अरे इसको हंसी भी तो आ रही है, और मुझे को लेके कहाँ से लगाई है इसने ये मुझे? गुड्डी क्या कर रहे थे तुम? तो गाइस अभी बन रहा है खाना, और किचन में तो बहुत बुरा हाल है। तभी नहीं, इमली का क्या करा है तभी ना? आज हम लोग इमली की वो बनाएंगे चटनी, अभी बनाऊंगी खाने के बाद। तू नहीं खाती? मैं तो बहुत मजेदार लगती है। क्या बनाया? चावल बनाए, दिखाओ तुम। मैं खट्टी चीजें नहीं खाती, लेकिन मुझे बहुत पसंद है। ये क्या हशर है किचन का? आप तो नहीं यार, ही क्या हशर किया किचन का है? चटनी भी बिजली साथ साथ, तभी ये रख देना वापस, इसी का तो बनेगा। और भी गोदे इमली और डाल दो उसमें, मैं इसमें जो ना वो पकाऊंगी चटनी इमली। हाँ नहीं, बहुत मजे की लगती है। चीनी डाल दी उसमें, डालो इमली की चटनी, इतने मजेदार लगती है, बहुत टेस्टी लगती है। आप लोगों ने कभी खाई है? नहीं खाई? रेसिपी दिखाऊंगी मैं कैसे बनाती हूँ। उसमें बस पता क्या डालती हूँ, तो जो है ना बॉईल करने के लिए रख दूंगी, उसमें पिसी मिर्ची डालूंगी और चीनी डालूंगी थोड़ी सी बस, और चाट मसाला, और उसको अच्छी तरह पका लेंगे। जब वो पक जाएगी और बस उसको खाना शुरू कर देंगे। इतनी टेस्टी बनेगी, मैंने पहले भी बनाई थी। हाँ मैंने पहले भी अभी बनाई है, कुछ दिन पहले भी। हाँ पकाते भी हैं, अच्छा बहुत मजेदार बनती है, जावी है। यहाँ का पंखा बंद हो गया? ओह माय गॉड, छोड़ो। खा रहे हैं खाना, सलाद और चटनी लेके जा रही हूँ। बस चला रहे हैं भाई, मैं तो अपनी प्लेट उठा लूँ चावल की, बड़े मजे के लग रहे हैं। अरे तुम लेके जाओ, बंद हो गया। चलो भाई, यहाँ का पंखा नहीं चला, अब क्या करेंगे? यानी बड़े मजे के चावल बनाए मेरी मम्मा ने, आपको टेस्ट कर। तो गाइस अभी हम लोग जा रहे हैं चाय बनाने के लिए, और सब चाय के इंतजार में बैठे हैं। कौन बनाएगा चाय? दावा, तुम बनाओगे चाय? झूठ बोल रहे हैं, कब बनाया है रोज चाय को? झूठी। आज की चाय बनाती है तमकीन, तालियां। मैं बनाऊंगी नहीं, जल्दी चली तालियां बहुत सारी। आज आप बहुत अच्छी, हमारी बेटी आयत बहुत सारी तालियां इनके। मैं जा रही हूँ चाय बनाने के लिए, क्योंकि इन लोगों मेरे हाथ की मजेदार चाय चाहिए बनाने के लिए चाय। चलो आज बच्चा चाय बनाते, तुम लोग बना लो ना, सब तुम सब बना लो। आप जा रहे हो?
अभी फिलहाल मैं रखने आई हूँ चाय का पानी, क्योंकि रात की चाय का टाइम हो गया हम लोगों का और मुझे बनानी है। अरे कहना क्या चाहते हो? इमली की चटनी भी बनानी है मुझे, ये देखें इमली भिगो रखी है मैंने। अभी फिलहाल मैं चाय का पानी रखती हूँ, पानी धोया पानी जल्दी से। और खाना खाने के बाद हम लोग ऐसे ही किचन वगैरह छोड़कर बैठ गए बातें करने के लिए, तो इसलिए जो है ना बहुत ज्यादा किचन फैल रहा है। तो फिलहाल तो मैं किचन साफ करने वाली सुबह करूंगी, क्योंकि सुबह है फ्राइडे, सैलून की छुट्टी है। वैसे तो मेरी आजकल छुट्टियां ही हो रही है, क्योंकि मुहर्रम शुरू हो गया तो सीजन ऑफ हो गया है, तो इस वजह से भी। तो मैं अभी आप लोगों को बताऊंगी चटनी कैसे बनाते हैं, इमली की चटनी, बस मजेदार सी, बहुत खट्टी सी। तो आजकल हमारा हो गया है लाइटर खराब, ये तो हम लोग यूज कर रहे हैं माचिस। अब कहीं मार्केट जाऊंगी तो लाइटर लेकर आऊंगी मैं, फिलहाल अभी बगैर लाइटर से गुजारा हो रहा है। पत्ती से निकालो, इधर आओ, आप निकालना बेटा इसमें से, मेरे एक हाथ से नहीं निकल सकती चाय की पत्ती, ये नहीं है। तो अभी मैं बनाने वाली हूँ इमली की चटनी। आएं चलो खोलो, चलो इसमें जाएगा थोड़ा सा पानी। ये डल गई थी इमली, और इसमें मैं डालने वाली हूँ चीनी, क्योंकि इमली बहुत ज़्यादा खट्टी होगी, इसमें इसलिए चीनी थोड़ी सी ज़्यादा ही डालूंगी मैं, काफ़ी है। अंदर वजन, और इसमें जाएगा थोड़ा सा चाट मसाला, काफ़ी है। अगर मुझे सोच थोड़ा कम लगेगा चाट मसाला तो मैं और डालूँगी। चाय का पानी तो मैंने यहाँ रख दिया है, और इसमें मैं डालूँगी थोड़ा सा जर्दे गरम, ताकि कलर थोड़ा सा अच्छा आ जाए। ये रखो है में निकालते हैं एक चमचा, और इसको हम मिला देते हैं। अभी बहुत ज्यादा पकेगी, और पकने के बाद बिल्कुल गाढ़ी कर लूंगी मैं इसे। तो अभी मेरी चाय बन रही है और मेरी इमली की चटनी बन रही, तो इसलिए मैं पहले मैंने कहा कि मैं किचन साफ कर ली, तो किचन साफ करने लगी। तो अभी बन गई हमारी मजेदार सी चाय, चलो ये लो सभी। चाय ले, आया दो चाय दावर शोजो, ये मेरी चाय है। लेकिन चाय अभी बहुत ज्यादा गर्म हो रही है, और चटनी मेरी बन रही है, चूल्हे पे मैंने रख दी है, बस
अभी खाएंगे हम लोग चटनी। खानी है किसी को भी नहीं खिलाऊंगी, अपनी इमली की चटनी बन रही है मेरी, इतने मजे की है ना। दाल तुम खाते हो? इमली की खिलाऊंगी नहीं किसी को भी। आया तुम खाओगे? तुम्हें भी नहीं खिलाऊंगी। आयो तुम खाओगी? तुम्हें भी नहीं खिलाऊंगी। आप खाएंगे? आप खाएंगे इमली की चटनी? आपको भी नहीं खिलाऊंगी, किसी को भी नहीं खिलाऊंगी। सभी तुम खाओगी? तुम्हें भी नहीं खिलाऊंगी। जवेर तुम खिलाओगी? तुम खाओगे? तुम्हें भी नहीं खिलाऊंगी। मैं किसी को भी इमली की चटनी खिलाने वाली नहीं हूँ, और बहुत सारी चटनी बन रही है और मैं ही बनाऊँ, मैं ही खाऊंगी। गजब बेइज्जती है। और तुम लोगों ने किसी से मुझसे मांगी ना, तो बस अभी मेरी तकरीबन इमली की चटनी बनने वाली है। तो बस अभी 5-10 मिनट में मेरी ये चटनी गाढ़ी हो जाएगी, तो मैं इसको निकाल लूंगी। तो अभी मेरी चटनी हो गई है रेडी। और मैं लगी हूँ खाने। चटनी में बहुत सारे लोग वो भी डालते हैं चार मगज, लेकिन वो मुझे पसंद नहीं है, तो मैं खाऊंगी ऐसे ही। तो गाइस मेरी चटनी तैयार हो गई है और मैं ट्राई करने वाली हूँ, बहुत मुँह चल रहा हुआ और बहुत टेस्टी बनी है, मज़ेदार लग रही है। सभी आलू बुखारे की चटनी लग रही है, इसका टेस्ट ऐसा आता है बिल्कुल आलू बुखारे की चटनी जैसा। और गाइस मैंने जो चटनी बनाई है ना, इसका टेस्ट बिल्कुल सेम ऐसा था जैसे बचपन में हम चटनी खाते थे ना, जो स्कूल के बाहर मिलती थी, बिल्कुल उसका टेस्ट है, इसलिए मुझे बहुत अच्छी लग रही है। तो बस मैं तो चटनी एंजॉय करती हूँ, आज का व्लॉग यहीं एंड करती हूँ, मिलती हूँ कल एक नए व्लॉग के साथ में। जैसे मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब जरूर कर लें, लाइक कमेंट और शेयर भी कर दें। मिलती हूँ कल सुबह एक नए व्लॉग के साथ में, दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।